नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के आप लोग के इस क्लास में हम इस बार के रेलवे की परीक्षा में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के जर्नल अवॉर्डनेंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आज हम वो आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा, और आज हम सिर्फ यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल में मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई। तो केरल में दोस्तों क्या हुआ, एक मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई। अब इसका नाम क्या रखा गया है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो आप लोग के सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, तो क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग का, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूँ, इसका जो आप लोग का राइट आंसर है ये है आप लोग का हैब्रोसेस्टम लॉन्गेस्टनम, ठीक है। इसका नाम है आप लोग का बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, हैब्रोसेस्टम लॉन्गेस्टनम। थोड़ा सा नाम ऑड है लेकिन आप लोग याद रखिएगा इस नाम को। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, हाल ही में 7 अप्रैल 2019 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार कब मनाया गया था आपको यहाँ पर ये बताना है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये तो जानते हैं कि स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आप लोग का 7 अप्रैल 2019 को मनाया गया, लेकिन ये किस वर्ष से आप लोग का स्टार्ट किया गया था, कब पहली बार मनाया गया था, तो आपको बता दें इसका जो आप लोग का राइट आंसर है ये है आप लोग का 1950 में। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आप लोग देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, हाल ही में कौन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। तो इनका नाम है विक्रम किर्लोस्कर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब ये रहा दोस्तों कम टाइम में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब रहा फोर्थ क्वेश्चन आप लोग के सामने, हाल ही में कौन फीफा परिषद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, नवदीप गुलर, आकाश माथुर, प्रफुल्ल पटेल, दीपक गोडसे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग को ये बताना है। फिलहाल आपको बता दें इसका आप लोग का राइट आंसर है प्रफुल्ल पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आप लोग का है प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन क्या रखा है, कौन व्यक्ति भी हाल ही में विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए, एलेक्स मोर, रोजकेम, डेविस मालपास या फिर मिया जेली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आप लोग का ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है डेविस मालपास। ये मैंने पहले भी आप लोग के साथ डिस्कस किया था। तो विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के तौर पे कौन नियुक्त किए गए, तो ये किए गए डेविस मालपास। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, देख सकते हैं हाल ही में 4 अप्रैल 2019 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को यहाँ पर 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिलहाल देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन एरा आप लोग के सामने, हाल ही में किस प्रथम भारतीय को UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। तो ये आपको किसको मिला है, नाना पाटेकर को, अन्ना हजारे को, नरेंद्र मोदी को या फिर मोहन भागवत को। तो इसका राइट आंसर आप लोग का है हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। अब बात करते हैं यहाँ पर 8th क्वेश्चन एरा आप लोग के सामने, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक किस वर्ष तक भारत सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा, 2060 तक, 55, 45 या फिर 40। तो 2060 तक जो है एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो है सबसे अधिक मुस्लिम देश वाली आबादी वाला देश बन जाएगा 2060 तक। अब देखिए यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य नौसैनिक युद्ध अभ्यास जो आप लोग का ऑसी इंडेक्स है 19 ये आरंभ हुआ है, बताइए यह जो है कौन सा युद्ध अभ्यास है। जो आप लोग का ऑसी इंडेक्स है, ऑसी इंडेक्स एक नौसैनिक अभ्यास है, युद्ध अभ्यास, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है कौन सा अभ्यास है आपको बताया, तीसरा है। तो पहला अभ्यास कौन सा है और दूसरा कौन सा है, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि जब मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग के साथ पहले डिस्कस किए थे तो मैंने ये बताया था दोस्तों, जो पहला युद्ध अभ्यास शुरू किया गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वो भी डिस्कस किया था, सेकेंड कब किया गया था ये भी बताया था, कब किया गया था ये बताया था, इसका नाम क्या था वो भी आपको मैंने बताया था। तो देखते हैं यहाँ पर आप लोगों में से किसको याद है, आप लोग ज़रूर बताएगा कमेंट करके। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ठीक है, तो ये जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आप लोग का 2 अप्रैल को। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए वाला, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज इस करंट अफेयर की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो कम टाइम में इसी तरीके से हम लोग डेली जो है 10 क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, और इसी तरीके से दोस्तों आप लोग इन 10 प्रश्नों को अवश्य याद किया कीजिए, और डेली जो है आप लोग की क्लास रहती है करंट अफेयर की। तो फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।